माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ अब तो मेरे पेट में भूख से दर्द होने लगा है। कुकू भाई आप देख रहे हो बाहर तेज बारिश है, ऐसे मौसम में माँ हमें खाना कहाँ से ला कर देगी। ऐसे भूखे बच्चों की बातें सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी, क्योंकि कई दिन से लगातार बारिश होने के कारण घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। बच्चों अभी आप थोड़ा इंतजार करें, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। मम्मा आप कबूतर अंकल को फोन करें ना कि वो हमें कुछ खाने को दे जाएं। फिर कुछ देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा को फोन करती है। आपका फोन बज रहा है। ये तो रानू चिड़िया की कॉल है। हेलो रानू चिड़िया। कबूतर भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आपके घर में कुछ खाने को है? अगर है तो थोड़ा सा मुझे। मैं क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरे बेटे को दो दिन से तेज बुखार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी भी भूखे ही हैं। निराश होकर चिड़िया फोन रख देती है। मम्मा क्या कहा कबूतर चाचा ने, मगर चिड़िया खामोश रहती है। आजकल की बारिशें कई दिन तक चलती हैं। अगर ऐसे घर में बैठे रहे तो हमारे छोटे से बच्चे का क्या होगा। हाँ मुझे निकलना होगा, मुझे अपने बच्चे की खातिर ऐसी तेज बारिश में ही घर से निकलना होगा। अगर किकी की तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ जाती। नहीं मैं रानू चिड़िया को साथ ले जाता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कौवा और कौवी भी अपने घर में भूखे ही बैठे हुए थे। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। मैंने बरसात से पहले तुम्हें कहा था कि भोजन जमा कर लेते हैं, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। चुप कर जा ओए कालू, सबके पति भोजन लाते हैं, एक तुम हो, नकम्मे कहेंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे नखट्टू से मेरी शादी हुई। तो क्या करूं, ऐसी बारिश में मर जाऊं? जाओ और किसी पक्षी के घर से भोजन चुरा कर लाओ, वरना अभी के अभी मैं अपने मैके चली जाऊंगी। गौरी की ये बात सुनकर कालू हमेशा डर जाता था, इसलिए वो भी अपने घर से निकलता है। एक मिठू तोता ही था जिसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी दोस्ती बड़े पुराने पेड़ से जो थी। वो पेड़ बहुत शक्तिशाली था, वो सब कर सकता था। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। जब भी मिठू अपने दोस्त पेड़ से ऐसे कहता, वो पुराना पेड़ मिठू को तरह तरह के भोजन दे देता। मिठू जब तक बरसात है तुम भोजन की कोई चिंता ना करना, जब भी भूख लगे तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें भोजन दूंगा। मेरे दोस्त भी भूखे होंगे, क्या मैं उन्हें भी आपके पास भेज दूं? हाँ जो भी पक्षी भूखा होगा मैं उसे भोजन दूंगा। फिर मिठू अपनी फलों वाली टोकरी उठाकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चलो मेरे साथ चलो, अगर घरों में बैठे रहे तो भूख से मर जाएंगे। कबूतर की आवाज सुनकर चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। हमें जाना होगा, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जाना होगा भोजन की खोज में। हाँ कबूतर भैया, अपने बच्चों के लिए अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। चिड़िया और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था, चिड़िया और कबूतर वहाँ रुकते हैं। कौवे भैया हम दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में जा रहे हैं, आप ही हमारे साथ चलें। जाओ जाओ तुम जाओ, मैं कालू कौवा तुमसे बड़ा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ उड़ने में शर्म आती है। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो तुम्हारा ढूंढा हुआ भोजन ही चुराऊंगा। कबूतर भैया वो देखे सामने तोता मीठे फल लेकर आ रहा है, चलो जाकर उसे पूछते हैं। तोता भी चिड़िया और कबूतर को देखकर रुक जाता है।
मिठू, ऐसी तेज बारिश में आपको मीठे मीठे फल कहाँ से मिल गए? पुराना पेड़ मेरा दोस्त है, आप भी फल ले सकते हैं। बस जाकर इतना कहें, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया और कबूतर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और पुराने पेड़ के पास जाकर चिड़िया कहती है, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है। चिड़िया का बस इतना कहना था कि वो पेड़ उन्हें मीठे मीठे फलों की दो टोकरियां दे देता है। दुष्ट और चोर कौवा थोड़ी दूर छुपा ये सब देख रहा था। आप भी अच्छे और सच्चे पक्षी हो, फिर मैं क्यों आपको भूखे रखूं? चिड़िया और कबूतर पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहां से चले जाते हैं। दुष्ट कौवा भी जल्दी से पेड़ के पास आता है, मगर वो भूल जाता है कि चिड़िया और कबूतर ने क्या कहा था और वो कहता है, मेरा दोस्त कितना बुरा है, मेरा दोस्त कितना छोटा है, मेरा दोस्त कितना भद्दा है। ये सुनकर वो पुराना पेड़ गुस्से हो जाता है और वो अपनी डाल से कौवे की खूब पिटाई करता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पेड़ जी, मेरा दोष क्या है? गंदे कौवे, मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरा दोस्त कितना सच्चा है, मेरा दोस्त कितना सुंदर है, ऐसे कहो। फिर कौवा ऐसे ही कहता है और वो पेड़ कौवे को भी फलों की एक टोकरी दे देता है और कौवा भी पिटने के बाद फल लेकर घर चला जाता है। कबूतर अपने परिवार के साथ बैठा बारिश के मौसम में फल खा रहा था। चिड़िया भी अपने बच्चों को मीठे फल खाता देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, अगर भूख ना हो तो ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ मेरी गुड़िया, अगर घर में कुछ खाने को हो तो बरसात का मौसम फिर ही अच्छा लगता है। फिर गुड़िया और कुकू भोजन खाने के बाद अपनी मम्मा के साथ सो जाते हैं और बारिश का पानी उन्हें लोरी सुना रहा था। लूसी कबूतरी का पति उसे जरूरत की हर चीज ला कर देता, उसे अच्छे फल ला कर देता, उसे मिठाइयाँ ला कर देता, उसके पास घर था, सब कुछ था, मगर लूसी कबूतरी फिर भी खुश ना थी, क्योंकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी हर समय उसे शहर की बातें सुना सुना कर दुखी किए रखती थी। लूसी, मैं कल फिर शहर जा रही हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत रौनक होती है शहर की जिंदगी में। क्या शहर में रात को भी दुकानें खुली रहती हैं? तुम भी पागल हो, शहर में तो दिन और रात का फर्क ही नहीं है, जब मन चाहे बाहर जाओ और पिज्जा बर्गर खाओ, जब चाहो किसी पार्क में जाकर बैठ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने भी अपने पति से कई बार कहा है कि मुझे भी शहर ले जाओ, मगर मेरा पति तो मेरी एक नहीं सुनता। जैसे मैंने अपने पति को मनाया, ऐसे ही तुम भी मनाओ। वो कैसे गोरी, तुमने कैसे मनाया अपने पति को शहर जाने के लिए? जब घर आए तो उसे रोटी पानी का ना पूछना और फिर दो चार दिन के लिए अपने मैके चली जाओ, फिर देखना तुम्हारा पति तुम्हारी हर बात मानेगा। कबूतर भैया, क्या बात है, कुछ दिनों से आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं चिड़िया बहन, मेरी पत्नी हर समय शहर जाने की जिद करती रहती है, मैं कैसे उसे शहर ले जाऊं? मेरा व्यापार यहाँ है, घर यहाँ है, दोस्त मित्र सब यहाँ है। लूसी को ये नहीं पता कि शहर की जिंदगी में यहाँ आसानियाँ हैं, वहाँ बहुत मुश्किलें भी हैं। आप उसे समझाना, वो जरूर समझ जाएगी। फिर जब कबूतर शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी अपना मुंह बनाए बैठी थी। लूसी, मुझे खाना दो, जाकर रसोई में खुद ही खा लो।
कल से वो गोरी कवि आई हुई है, उसने जरूर फिर से तुम्हें शहर के सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे। जो भी है, अब मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम मुझे शहर ना लेकर गए तो कल मैं अपने मैके चली जाऊंगी। ये सुनकर कबूतर डर जाता है। नहीं नहीं लूसी, आप ऐसा ना करना, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें कल शहर ले जाऊंगा। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति को खाना ला कर देती है। मैं सोच रही हूँ कल को हमारे बच्चे होंगे, यहाँ तो कोई ढंग का स्कूल भी नहीं है, कम से कम शहर में हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो दिलवाएंगे। फिर दूसरे दिन कबूतर और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान लेते हैं और शहर की तरफ चले जाते हैं। वो शहर में जाकर एक घर किराए पर ले लेते हैं। अब मैं कभी गांव लौट कर नहीं जाऊंगी, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, अगर कोई काम ना मिला तो खर्च कहां से करेंगे। फिर कबूतर काम ढूंढने चला जाता है। मैं गोरी कवि से मिलकर आती हूँ, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी गोरी कवि से मिलने चली जाती है। लूसी गोरी के घर की डोरबेल बजाती है। गोरी का बेटा जग्गू दरवाजा खोलता है। जी आंटी, कौन है आप और किससे मिलना है? मैं लूसी कबूतरी हूँ बेटा, मम्मा को बताएं कि गांव से लूसी आंटी आई है। मम्मा मम्मा, गांव से कोई लूसी आंटी आई है? तो लूसी भी आ गई शहर, उसे घर में ले आओ। फिर जग्गू कौवा लूसी को घर के अंदर ले आता है। लूसी, वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, हम खाना खा लें फिर मिलते हैं। लूसी, मैं अभी आई आपके पास, खाना थोड़ा है, अगर ज्यादा होता तो तुम्हें भी जरूर देते। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर गोरी कवि, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू खाना खाते हैं। हाँ तो फिर मना ही लिया अपने पति को भी तुमने। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, जैसे ही मैंने मैके जाने का नाम लिया तो पति जी तुरंत मान गए। ये पति लोग ऐसे ही फंसते हैं। गोरी, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम बर्तन धोकर जग्गू को प्लेग्राउंड ले जाना। फिर कालू कौवा घर से चला जाता है। बहन, मैं तो शहर देखने आई हूँ, कब घुमाओगी मुझे? मैं जग्गू को प्लेग्राउंड लेकर जा रही हूँ। लूसी, तुम मेरे ये बर्तन तो धो दो, हम शाम को मिलेंगे। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को लेकर घर से चली जाती है। लूसी गोरी का ऐसा व्यवहार देखकर थोड़ी निराश होती है, मगर फिर वो गोरी के बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। लूसी और कबूतर के पास जमा राशन खत्म हो जाता है, गैस का सिलेंडर भी खाली होने को था और बिजली का बिल आ गया था। अगर कोई बड़ा काम नहीं मिलता तो कहीं मजदूरी ही कर लें आप। हाँ, आज मैं यही सोच रहा हूँ। फिर कबूतर घर से जाता है और एक गोदाम में बोरियाँ उठाने का काम करने लगता है। गोरी तो कहती थी कि शहर की जिंदगी में बहुत मजे हैं, मगर मैं तो जिस दिन से आई हूँ पेट भर के खाना भी नहीं मिला, आज तो मैं पिज्जा खा कर ही रहूँगी। फिर आखिरी जो कुछ पैसे लूसी के पास बचे थे, लूसी वो पैसे लेकर पिज्जा खाने चली जाती है। उसे नहीं पता था कि पिज्जा कहाँ से मिलेगा, वो एक सब्जी की दुकान पर चली जाती है। भाई जी, पिज्जा कहाँ से मिलेगा? लगता है गांव से आई हो। हाँ, मैं पहाड़ों वाले गांव से आई हूँ। वो सामने है फास्ट फूड की शॉप। लूसी अपने ध्यान बैठी हुई थी जब पीछे से एक उल्लू आता है और लूसी का बैग छीनकर भाग जाता है।
बचाओ बचाओ, वो मेरा बैग ले गया, कोई पकड़े उसे। मगर वो उल्लू तो दिन दिहाड़े सबके सामने डाका मारकर भाग गया था, कोई भी उसे नहीं पकड़ता। फिर लूसी रोती हुई गौरी कवी के घर जाती है। गौरी, मैं पिज्जा खाने गई थी बाजार कि कोई चोर मेरा बैग छीन कर ले गया, मेरे सारे पैसे भी गए और मेरी माँ की निशानी, मेरा हार भी वो चोर ले गया। ये गांव नहीं है, यहाँ ध्यान से रहना पड़ता है। गौरी बहन, घर में कुछ भी नहीं है, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें, मैं आपको बाद में लुटा दूंगी। मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं है, मगर मैं कुछ करती हूँ, तब तक तुम मेरे जग्गू के कपड़े तो धो दो और हाँ, घर की सफाई भी कर देना। फिर लूसी जग्गू के कपड़े धोती है और घर की सफाई भी करती है। ये लो लूसी, 50 रुपए मेरे पास यही है, मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर काम ही कर जाया करो, मैं तुम्हें 500 महीने का दे दिया करूँगी। मगर लूसी गौरी कवि से 50 रुपए लेकर खामोशी से वहाँ से चली जाती है। शाम को लूसी का पति भी घर आ जाता है, उसके पास कुछ सब्जियाँ थीं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सारा दिन गोदाम में बोरियां उठाई हैं, तब जाकर 100 रुपए मिला है। लूसी आज चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, शायद अब जाकर उसे अपने किए हुए गलत फैसले का एहसास हो रहा था। मैं ये सब्जियां बनाती हूँ और आप इन पैसों में से 50 रुपए गौरी कवि को दे आए और बाकी के पैसों से बिजली का बिल दे दें। अगर सारे पैसे खत्म हो गए तो हम कल क्या खाएंगे? पति जी, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा, हम नहीं रहेंगे शहर में, हम आज ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। ये सुनकर उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर ऐसे वो दोनों अपने गांव वापस आ जाते हैं। लूसी को अपने घर आते ही ऐसा सुकून मिलता है जो उसे 10 दिनों में शहर में नहीं मिला था।